नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकार लेटर। बात करेंगे दोस्तों बिहार से, जैसा कि इंटर लेवल का काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी जो है लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा काउंसलिंग हो। यहाँ दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 10% से 10% अधिक छात्रों को ही बुलाया जाएगा, यानी कि दोस्तों 13,000 पोस्ट है तो उसका 10% प्लस यहाँ पर 1300 कैंडिडेट, यानी कि टोटल 15,000 ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आइए तो देख लेते हैं कहाँ से ये अपडेट आ रही है। अपडेट दोस्तों दैनिक जागरण के माध्यम से आ रही है। जो भी दोस्तों यहाँ प्रदेश ने BSSC प्रथम इंटर स्टेट काउंसलिंग जन कराने की मांग, जाने कितने अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। यहाँ बात करें दोस्तों यहाँ पे अक्षय पांडे जो कि यहाँ पे जागरण के आपको बता दें संवाददाता हैं, इन्होंने बताया कि जल्द काउंसलिंग शुरू करने की मांग की जा रही है। आइए तो देख लेते हैं क्या यहाँ पे बड़ी अपडेट आई है। तो नलिनी रंजन पटना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम स्तर के परिणाम 7 साल के फाइल नहीं होने पे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। यहाँ पे बता दें आयोग यहाँ पे कह रहा है कि 13,120 पदों के लिए जन काउंसलिंग के लिए सूची जारी करने की मांग की है। बताया जाता है कि आयोग की ओर से काउंसलिंग के सीट से दे सकते हैं 10% अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें अभ्यर्थियों का आक्रोश और बढ़ गया, तो देख सकते हैं दोस्तों 10% अधिक, यानी कि 13,120 10% यहाँ पे 1300 कुछ पद होगा, तो टोटल यहाँ पे 14,500 अभ्यर्थी को ही काउंसलिंग के लिए बुलाई है। दोस्तों बात करें 2016 वाला मामला आवेदन को लेकर 2016 हाईकोर्ट को निर्देश दोबारा पोर्टल खोला गया था। इसमें काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी ने आवेदन किया जिनके लिए योग्यता नहीं रखते थे और वो भी PT मेंस पास कर चुके हैं। यदि काउंसलिंग में उनकी छटनी की जाती है तो काफ़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये इनका आयोग का तैयारी ये है कि मेरिट के हिसाब से हम काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर उसमें 2016 वाले कैंडिडेट हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। और दोस्तों बात करें तो यहाँ पे काफ़ी पदों पर यहाँ पे काउंसलिंग रह जाएगी। यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम 2.5 गुना अभ्यर्थी को काउंसलिंग का मौका मिलना चाहिए, ये दोस्तों छात्र यहाँ पे कह रहे हैं। देखते हैं आयोग यहाँ पे क्या करता है। सीट दोस्तों खाली नहीं रहना चाहिए, अगर जो सीट नहीं भर जाएगा दोबारा काउंसलिंग करा के उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए जो कि यहाँ पे मेरिट में थोड़े से नीचे आ रहे हैं। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। और यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे 80% अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा था और वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं भू राजस्व विभाग राजस्व कर्मचारी के 4,353 पद। देखते हैं दोस्तों कब तक यहाँ पे काउंसलिंग होती है और अब यहाँ पे सीट खाली नहीं रहना चाहिए, अभ्यर्थियों को 2.5 गुना बुलाकर या जो मेरिट में नीचे हैं उनको बुलाकर ये सीट दे देना चाहिए। सीट खाली रहेगा तो फिर से अगला 5 साल में द्वितीय इंटर स्तरीय होगा। देखते हैं दोस्तों क्या करता है आयोग। बहुत ही जल्द आपको काउंसलिंग का भी डेट देखने को आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा जैसा कि आयोग का कहना है। बाकी दोस्तों और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे पल पल की अपडेट आप सभी को देते रहेंगे।